जब मैं और एमपी पढ़ाई कर रहे थे साथ में। इनफैक्ट जब मैं पीजी करने गया था, एमबीबीएस करने के बाद जब पढ़ाई करने गया था, तो मैं अकेले गया था, यूरोप गया था मैं। और वहां पर मैं डर गया, मुझे लगा बॉस अगर यहां रहे तो दारू और लड़कीबाजी इसकी आदत पड़ जाएगी, बिकॉज वहां पर सारे बच्चे ड्रिंक्स लेते हैं और मैं नहीं लेना चाहता था। और हर बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फर्स्ट ईयर में दो हॉस्टल थे, एक गर्ल्स का एक बॉयज का, और अगले साल में एक कॉमन हॉस्टल था, उसमें हस्बैंड वाइफ की तरह लड़का लड़की कपल बना के रहते थे, मान लेते थे वो लोग हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो मुझे लगा यार बॉस अपने आप को मुझे बचाना होगा इन सब चीजों से, नहीं तो फिर पढ़ाई हो नहीं पाएगी। और तो फिर मैंने फटाफट फोन किया मैंने पापा को, और एडमिशन लेने के 1 महीने बाद भाग के इंडिया आ गया। पापा बोलते पागल हो गए तो इंडिया क्यों चले आए। मैंने कहा पापा अगर मुझे पीजी कंप्लीट करनी है तो मुझे अपनी वाइफ अपने साथ चाहिए वहां पे, नहीं तो कोई और लड़की के चक्कर में फंस जाऊंगा। और क्यों लड़की के चक्कर में फंसूंगा, बोर्डम, आदमी जब बोर होता है तो चाहता है किसी का बातचीत करें हम, और जब बातचीत करेगा तो दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी तो प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा तो आप फिर जिसके साथ शादी किए वो भूल जाएंगे आप। तो फिर मैं लेकर गया वहां, अब अकेले बोर होता था, अब हम दो साथ में बोर होते थे। तो हम लोग 3 4 5 घंटे का कॉलेज होता था, और बाकी टाइम बैठ के क्या करो, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ये थी टीवी नहीं था हमारे पास। फाइनली फिर हमने थोड़ा बहुत मस्का उसका मार के पापा को एक लैपटॉप, पहला लैपटॉप हमने वहीं खरीदा था एसर का। और किसी न किसी बच्चे के कमरे में हमेशा डाउनलोडिंग चलती थी फिल्म की, ढेर सारा मसाला फिल्म्स इकट्ठे होते थे हम लोगों के पास, तो हम लोग खूब देखते थे। और उनमें से एक खास टीवी सीरियल था जो रिम्पी सेकेंड ईयर में के एंड में देखना बंद कर दिया था, और मैं खूब मन मन से देखता था 2 एपिसोड 4 एपिसोड, और उसका नाम है सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल समझते हैं, जो नेचुरल होता है वो तो हम जानते हैं, जैसे हम सब नेचुरल हैं, और आप अगर मर जाएं और फिर भी मुझसे बात करें तो डरावनी चीज है, भूत प्रेत ये सब चीजें सुपर नेचुरल होती हैं। उसमें से एक खास मैं क्यों बता रहा हूँ ये कहानी आपको, बिकॉज आज रिम्पी ने मुझे बोला आशु ये तो एकदम सुपर नेचुरल की फर्स्ट एपिसोड की तरह है। वो आप मेरे पास पढ़ी है, वो सुपर नेचुरल की फर्स्ट एपिसोड पढ़ी है, उसमें एक खास कैरेक्टर है, उसका नाम मतलब वो हीरो है, एक आदमी है, उसके दो बच्चे हैं सैम और डीन, और एक कार में सैम डीन और उसके पापा तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है, एक कोई डेविल है भूत टाइप का वो ट्रक में ड्राइवर के अंदर घुस जाता है और उसको थार करके मारता है, और तीनों बेचारे एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट कोमा में चले जाते हैं। तो सैम तो होश में आ जाता है छोटा वाला भाई, और जो उसका डैडी था वो भी होश में आ जाता है, लेकिन डीन वो कोमा में रहता है। तो दिखाते हैं डीन जो है उसकी बॉडी तो कोमा में है, लेकिन वो उसकी जो मॉलिकुलर बॉडी है वो होश में है, सबको देख रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है। तो एक सुंदर सी लड़की उसके पास आती है, बोलती है सॉरी डीन अब तुम्हें जाने का टाइम आ गया है। बोलता है तुम कौन हो, बोलती है मैं तुम्हारे लिए इस शेप में आई हूं सुंदर बन के, एक्चुअली मैं डेथ हूं, मैं मौत हूं, और अब तुम्हें चलना चाहिए। बोलता मैं नहीं जाऊंगा, अपने भाई को और बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगा, इतने परेशान है और उनको मेरी हेल्प चाहिए। बोलती ना तुम्हें चलना पड़ेगा, हर आदमी ये सोचता है कि मरने के बाद हम छोड़ के नहीं जाएंगे माँ बाप भाई बहन को, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो बहुत अच्छा एपिसोड है, यू शुड सी इट, इट्स अ लवली एपिसोड। तो रिम्पी बोलती है आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है डायलॉग विथ डेथ, मौत से बातचीत। तो मुझे अचानक याद है तो मैं आपसे शेयर करा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल मेडिटेशन के बारे में बता रहे थे इस चैप्टर में शुरुआत में। सैनडियागो में आने के बाद के स्पोक एट सैंटा मोनिका फॉर लास्ट टाइम, आखिरी बार वहां पर बोले सैंटा मोनिका में, उसके बाद फिर कभी सैंटा मोनिका में नहीं बोला। एट वन ऑफ हिज टॉक्स ही वाज आस्क्ड, किसी ने पूछा था आई हैव बीन लिसनिंग टू यू फॉर सम टाइम नाउ बट नो चेंज हैज कम अबाउट। बोलते हैं हम आपसे कितनी लेक्चर सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं, हमारे अंदर कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। कोई अनितेंद्र जैसा बच्चा होगा बेचारा, जब भी आता है बेचारा पापा मम्मी की कंप्लेन करता रहता है। के ने रिप्लाई किया, बोलते व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बदलाव आ रहा है मेरे अंदर में। टू दिस के रिप्लाइड इज इट दैट यू आर नॉट सीरियस, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ में। इज इट दैट यू डोंट केयर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आंसर नहीं दे रहे हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि तुम केयर नहीं करते? अरे ठीक है यार, जो बोल रहे हैं बोलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इज इट दैट यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर कॉट अप इन देम, नो टाइम नो लीजर टू स्टॉप सो दैट यू कैन नेवर लुक एट द फ्लावर, या तुम्हारे पास टाइम नहीं है अपने लिए एक फ्लावर को देखने के लिए, आराम करने के लिए, अपने साथ बैठने के लिए तुम्हारे पास शायद टाइम नहीं है। ये इशारे करते थे हमेशा कृष्णमूर्ति, कभी ये नहीं बोलते थे तुम्हें क्या करना चाहिए गुरु की तरफ, वो खाली इशारा करते थे। सर यू हैव नॉट गिवन योर लाइफ टू इट। कल मैं पढ़ रहा था, मुझे धक्का लग गया उस सेंटेंस से। हम लोग सुबह सुबह पीछे बैठे थे और बातचीत चल रही थी कि फ्यूचर क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए। मैंने करीम पे बताया क्या बोलते थे कृष्णमूर्ति, बोलते थे एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो एनलाइटनमेंट के लिए अपनी जान लगा दे। एमबीबीएस के लिए लगा देंगे, पीएमटी के लिए लगा देंगे, सुसाइड भी कर लेंगे, लेकिन एनलाइटन होने के लिए नो बडी इज। सर यू हैव नॉट गिवन योर लाइफ टू इट। तुमने अपनी जिंदगी दे दी है क्या उसके लिए? अपनी वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, नॉट आइडियाज। अच्छा आइडिया एनलाइटनमेंट, कभी सोचेंगे, ऐसा नहीं है। नॉट अबाउट थियरीज, प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, नया मोबाइल, नया गाड़ी, ये सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट लुकिंग एट द होल ऑफ लाइफ विच इज योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी है, उसके बारे में क्या तुम कंसर्न हो, जानना चाहते हो अपने बारे में सीरियसली? रमण महर्षि ने अपनी लाइफ को समझने के लिए घर छोड़ के गए और वहीं पर रुक गए पहाड़ों में, जब तक उनको समझ में नहीं आया शहर में वापस नहीं आए। एंड ही बिकेम गॉड, लाइक दे कॉल हिम भगवान महर्षि रमण, भगवान महाराम बोलते हैं रमण, लोग पूजा करते हैं उनसे, उनकी अब तो खैर नहीं है वो। के टोल्ड मेरी एट दिस टाइम दैट ही हैड टू लिव अनदर 10 to 15 years, अब काफी बूढ़े हो चुके थे शायद, बोलते हैं 10-15 साल मेरे पास और हैं, बिकॉज देर वॉज स्टिल सो मच टू बी डन, और मुझे बहुत कुछ करना है। हिज बॉडी ही सेड वॉज डिटीरियोरेटिंग, ही वॉज 79, ऑलमोस्ट 80 साल के होने हो गए थे। बोलते मेरी बॉडी अब धीमे धीमे डिटीरियोरेट हो रही, डिटीरियोरेट मतलब डिटीरियोरेट, हाँ धीमे धीमे जब खराब होने लगती है बॉडी। दो हिज ब्रेन वॉज अनटच्ड, लेकिन बोलते मेरा ब्रेन एकदम शार्प है, वैसे का वैसा ही है। A few mornings after arriving at Charat Taneg at that summer, he woke saying something extraordinary had happened to him, something spreading out to take the universe. बोलते कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ जो पूरे ब्रह्मांड को छूने की कोशिश कर रहा है मेरा ब्रेन। That same morning he dictated a letter to Mary about new school at Ohio. उन्होंने ओहाई में जो नया स्कूल खुलने वाला है उसके बारे में डिक्टेशन लिखवाया कि उस स्कूल के बारे में क्या होना चाहिए। बोलते हैं उस स्कूल के बारे में, इट मस्ट प्रोड्यूस पीपल सो रिलीजियसली बेस्ड दैट दे वुड कैरी दैट क्वालिटी विद देम वेर एवर, वॉट एवर दे डिड, वेर एवर दे वेंट, वॉट एवर करियर दे टुक अप। उनको डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहते थे अपने स्कूल में, वो चाहते थे इतने रिलीजियस, रिलीजियस मतलब वो टीका लगाने वाले नहीं, नमाज पढ़ने वाले नहीं, चर्च में ऐसा घंटी बजाने वाले नहीं, ऐसा बंदा जो अपने माइंड के अंदर में खोज करके अपने आप को समझना चाहता है और एनलाइटन होना चाहता है, जैसे ये खुद थे, कि जहां पर भी ये बच्चे जाएं ये चीज अपने साथ लेके जाएं, जो भी करें उसमें ये चीज दिखाई दे। इट वॉज वेरी हॉट एट स्टार्ट एंड साने इन गैदरिंग, के वॉज ऑफन वेरी फार अवे एंड हिज हेड वॉज बैड। गर्मी में बहुत उनको, क्योंकि वो सर्दियों में पले बढ़े हैं ना, बचपन उनका पूरा इंग्लैंड में गया है, तो गर्मियों में बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उनका सर बहुत दर्द करता था। ही हैड बिकम इवन मोर सेंसिटिव एंड कुड नॉट बियर टू बी टच्ड, बट ही वॉज हैविंग मार्वलस मेडिटेशन। बोलते हैं दर्द बहुत करता था बॉडी का, लेकिन जब मेडिटेशन में जाते थे बहुत अच्छा मेडिटेशन हो पाता था उनसे। माई माइंड, ही टोल्ड मेरी, फील्स एज इफ इट हैज बीन वॉश्ड आउट क्लीन हेल्दी। माइंड ऐसा लगता है साफ हो गया है, फ्रेश हो गया है। एंड मच मोर देन दैट, अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ जॉय एंड ऑफ एक्सटेसी, एक आनंद का एक्सपीरियंस आता है जब खाली बैठे रहते हैं तो। उसके बाद दिल्ली अकेले आए थे नवंबर में। के फाउंड हिमसेल्फ ऑन द प्लेन, ये एक आदमी के बारे में बताया है, ही वॉज अ सुपर सुपर रिच मैन। इनफैक्ट इनके जो सात एक शिष्य थे वो आज भी सुपर रिच आदमी है, इज अ स्पिरिचुअल गुरु। आज के आज जानते हैं आज के बारे में, आजकल सबसे सबसे अमीर गुरु कौन है? हाँ कौन? हाँ श्री श्री रविशंकर। और श्री श्री रविशंकर जो थे वो किसके साथ मेडिटेशन सीखा करते थे पता है? टेक्निक किससे सीखा उन्होंने? इनसे, जिनके साथ। बोलते हैं मैं जा रहा था, अकेला फ्लाइट में था और वहां पर मुझे मिल गए महर्षि महेश योगी। इनके नोएडा में इतने बड़े बड़े आश्रम हैं, सब टूट फूट रहे हैं। वो तो मर गए गुरुजी अभी शायद 10-12 साल पे, हॉलैंड में, यूएस में, पता नहीं कहां कहां
जमीनें ऐसी फीकी पड़ी हैं, कोई चिंता नहीं। इलाहाबाद के किनारे में आधी बिल्डिंग बनी हुई है, मार्बल पड़ा हुआ है, संगमरमर कहीं पड़ा, मतलब खूब खूब पैसे बर्बाद होते हैं। महेश योगी वो भी उसी प्लेन में आए थे, केम अलॉन्ग बीमिंगली टू टॉक टू हिम, बात करने के लिए आए कृष्णमूर्ति से, कैरिंग अ फ्लावर, एक फूल लेकर आए उनकी। कृष्णमूर्ति भी फेमस थे और वे भी बहुत फेमस थे उस समय। केज अभोरेंस, पसंद नहीं करते थे गुरुओं को, ऑफ गुरुज, अ सिस्टम ऑफ मेडिटेशन सून पुट अ स्टॉप टू देयर कन्वर्सेशन। वो बात करना चाहता है, वो चुप, ये बात नहीं करना चाहते। के टोल्ड अस आफ्टरवर्ड्स दैट ही वुड लाइक, वी वुड हैव लाइक टू सी हिज बैलेंस शीट। बोलते हैं मुझे उसे बात नहीं करना है, मुझे उसकी बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट जानते हैं क्या होते हैं? उसके अकाउंट में पैसे कितने रखे हैं वो देखो पहले तुम। एट राजघाट बनारस में इन नवंबर, के वॉज आस्क्ड टू डिफाइन हिज ओन टीचिंग। बोलते हैं आपकी टीचिंग क्या है, डिफाइन करिए। ही आंसर्ड इन सरप्राइज, उन्होंने आंसर दिया, आर यू आस्किंग मी, मुझसे पूछ रहे हो तुम? यू आर आस्किंग मी वॉट इज द टीचिंग, तुम मुझसे पूछ रहे हो टीचिंग क्या है? आई डोंट नो माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं जानता। आई कैन नॉट पुट इन फ्यू वर्ड्स, कैन आई, क्या मैं कुछ शब्दों में अपने आप को बता सकता हूं? हम तो बता सकते हैं ना, दो आंख दो नाक, बिना कपड़ों के हम बदसूरत नहीं, साबुन रहेगा तभी खुशबू आती है हमारी बॉडी में से, यही है। बट कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं मैं नहीं बता सकता अपने आप को कुछ शब्दों में। आई थिंक द आइडिया ऑफ टीचर एंड द टॉट इज बेसिकली रॉन्ग, कोई पढ़ा रहा है और कोई पढ़ रहा है, ये आइडिया ही गलत है। एटलीस्ट फॉर मी, मेरे लिए, आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ शेयरिंग रादर देन बींग टॉट। हम लोग शेयर कर रहे हैं आपस में बजाय कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं। वॉन्टिंग टू आस्क के द सेम क्वेश्चन माई सेल्फ, बोलते मैंने भी, मैं चाहती थी कृष्णमूर्ति को, मेरी ल्यूटिस बोली, मैं भी चाहती थी क्वेश्चन पूछना जब मैं लिख रही थी सेकेंड वॉल्यूम ऑफ हिज बायोग्राफी, उनकी सेकेंड वॉल्यूम बायोग्राफी की। आई रोट आउट अ शॉर्ट स्टेटमेंट बिगिनिंग, मैंने कुछ लिखा, द रिवोल्यूशनरी कोर ऑफ कृष्णमूर्ति इज टीचिंग, मतलब एक सेंटेंस लिखा मैंने कृष्णमूर्ति से, थोड़ा चालाक थी ना ये, राइटर है। बोलते लिखा है कि कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग है उसका, उसकी आत्मा क्या है, कोर क्या है, डैट डॉट डॉट। फिर उनको चिट्ठी लिख दी कि अब आप आगे भरिए कृष्णमूर्ति को, एंड सेंट हिम फॉर अप्रूवल, आप देखिए क्या लिखना चाहते हैं। ही हैड होप्ड, एज आई होप्ड ही री रोट इट एंटायरली, उन्होंने पूरी तरह से बदल कर लिखा, लिविंग इन द सिंगल वर्ड कोर बिलो इज वॉट ही रोट, उन्होंने जो लिखा वो नीचे है, कृष्णमूर्ति की टीचिंग का कोर क्या है। द कोर ऑफ कृष्णमूर्ति इज टीचिंग इज कंटेन्ड इन द स्टेटमेंट ही मेड इन 1929 व्हेन ही सेड, कोर क्या है जो उन्होंने 1929 में एक स्टेटमेंट बोला था, इतना मुश्किल है समझना। ट्रूथ इज पाथलेस लैंड, सच्चाई क्या है, पाथलेस मतलब क्या होता है, अभी पाथलेस जिसका रास्ता नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि सर के यहां जा रहे हैं, सर हमको बताएंगे हमको ज्ञान आ जाएगा, तो कोई बताएगा, कोई पगडंडी है, कोई रास्ता है, लेकिन कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना खुद खोजना है, कोई नहीं। हां इशारे हम सब करेंगे एक दूसरे को, बट मैं आपको नहीं बता सकता, आप मुझे। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, सच्चाई क्या है, एक ऐसा बिना, उसमें रास्ता नहीं है, किसी और से आप पूछ नहीं सकते कि मुझे सही करना है तो क्या करूं। अगर कोई टीचर भी बोलता है आपको सही करो, झूठ मत बोलो, तो वो बता रहा है लेकिन हमको तो नहीं पता, क्योंकि फिर अगर झूठ बोल नहीं बोलना चाहिए तो मेरे मन में झूठ बोलने की क्यों इच्छा कर रही है, मेरे मन में चोरी करने की क्यों इच्छा कर रही है। अगर सच है, ईमानदारी सच है, तो फिर मुझे झूठ क्यों मन कर रहा है करने का। मैन कैनॉट कम टू इट, आदमी उस तक पहुंच नहीं सकता, थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था को बना के, दो थ्रू एनी क्रीड, थ्रू एनी डॉगमा, प्रीस्ट और रिचुअल, नॉट थ्रू एनी फिलोसॉफिकल नॉलेज और साइकोलॉजिकल टेक्निक। कोई टेक्निक वेक्निक से, ध्यान व्यान से कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता, तो फिर सर आप टेक्निक क्यों कराते हैं, क्यों मेडिटेशन कराते हैं? कार को आप धोते हैं, उसकी सर्विसिंग करते हैं, क्या सर्विसिंग करने से और कार धोने से आप कहीं पहुंच जाएंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे ना, तो कार क्यों धोते हैं हम, उसको सर्विसिंग क्यों कराते हैं? हाँ तभी चल पाएगी वो, नहीं तो रास्ते में रुक जाएगी। तो मेडिटेशन टेक्निक ये सब चीजें वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ये खाली बॉडी की सफाई है, माइंड की सफाई है। जब ये सफाई हो जाएगी तभी आप उस पाथलेस लैंड पे, जब आप ऐसे सोचेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ही हैज टू फाइंड इट थ्रू द मिरर ऑफ, अगर आप चाहते हैं अपने आप को जानना तो अपने आप को कैसे जानेंगे आप, थ्रू द मिरर ऑफ
एक शीशा है, किस चीज का शीशा है? मिरर ऑफ रिलेशनशिप, रिश्ता। हमारा आपस में क्या रिश्ता है, हमारा किताबों से क्या रिश्ता है, हमारा मां बाप से क्या रिश्ता है। इसलिए मैंने नितिन को मना कर दिया, मत आओ। वो अपनी मम्मी के लिए बोल रहा था, आप जानते नहीं है वो मुझे इसलिए मारती पीटती है क्योंकि उनको बचपन में पता नहीं, मुझसे उनको मेरे से कोई दुश्मनी है। मम्मी का रिलेशनशिप बच्चे से नहीं खराब है, मेरा रिलेशनशिप उनसे खराब है। हमारा रिलेशनशिप हर छोटी छोटी चीज से कैसी है, ध्यान। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ बदलने के लिए कह रहा हूं कि ओबीडियंट हो जाइए, आप स्टडी करिए कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है किसी चीज के साथ। थ्रू रिलेशनशिप, थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज ओन माइंड, अपने दिमाग के कंटेंट को देखिए। कल में एक बड़ी अच्छी चीज मैंने देखा अपने बारे में, आप सचिन को जानते हैं सब लोग ना, सचिन हमारे सेंटर का मैनेजर है। एक दिन उससे मेरी बहस हो गई थी, काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी, तो उसके बाद से वो मुझे गुड मॉर्निंग नहीं करता और मैं भी अपना अकड़ा रहता हूं उससे। जब तुम नहीं बोलोगे तो मैं भी क्यों बोलूं, मैं डॉक्टर हूं, तुम तो जूनियर हो, स्टाफ हो। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ, मैं तेरा सीनियर हूं ना, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता? ठीक है सर, सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। लेकिन फिर भी ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। फिर उसका मुंह अटका रहता है, अकड़ा रहता है। इनफैक्ट अब तो उसने ऐसा कर दिया, जब मैं उसके पास पहुंचूंगा तो मुंह उधर कर लेगा, ये कंप्यूटर पे काम करता रहेगा। कल वो आया मेरे कमरे में, परवेज बैठा रहता है। परवेज को बोला उसने, परवेज चार्जर है फोन का तुम्हारे पास? परवेज बोलता सर नहीं है। और मैं सोच रहा हूं बेचारा मेरे साथ अच्छा दोस्ती करता तो मेरे पास दो चार्जर थे, इसको दे देता। लेकिन जब मैं सुबह उठा तब मैंने देखा, आशीष तुम दे सकते थे उसको ना, क्यों नहीं दिया? आप कैसे जानेंगे? थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ योर ओन माइंड, अपने दिमाग के कंटेंट को देखो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड नॉट थ्रू इंटेलेक्चुअल एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्टिव डिसेक्शन। उसने ऐसा इसलिए किया था, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया, पर उसने कहा ये तो डिसेक्शन है, नहीं काट छाट मत करिए, उसने ये कहा था इसलिए मैंने ऐसा कहा था, ये नहीं, ऑब्जर्वेशन से। पता है डिसेक्शन ऑब्जर्वेशन में फर्क क्या है? एक में आप काट छाट के पोस्टमार्टम कर देते हैं, और पोस्टमार्टम के बाद क्या होती है, जो मरी हुई बॉडी रहती है और मर जाती है। हाँ सही बता रहा हूं, मैंने पोस्टमार्टम देखे हैं। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में थे, जब पहली बार पोस्टमार्टम देखने गया था, मुझे उल्टी आ गई। पता है क्या करते हैं पोस्टमार्टम में डॉक्टर लोग? आमतौर पर पोस्टमार्टम करते ही नहीं, हालांकि उनका एक डिपार्टमेंट होता है फोरेंसिक मेडिसिन का। चक्कू लेते हैं, जो डेड बॉडी होती है उसको लिटाते हैं और चक्कू से सक करके इसे काटते हैं। छेनी हथौड़ी लेते हैं, यहां पे थर 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 मारते हैं, छेनी हथौड़ी लेते हैं, यहां थर 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 खोलते हैं, अंदर से ब्रेन निकालते हैं, उसको चेक करते हैं, डाल देते हैं। और ये सब जब बॉडी चेक कर लेते हैं, नहीं पेट खोलते हैं, पेट में देखते हैं कुछ खाना, ये सब इसलिए करते हैं मालूम करने के लिए कि डेथ का रीजन क्या था, कितने बजे आदमी मरा, किसने खून किया तो खाना खाने के बाद मरा, खाने खाने से पहले मरा, किसने अगर पानी में डूब के मरा है तो डूबने से पहले मरा था कि डूबने के बाद मरा है, ये सब चीजों को देखना पड़ता है। और जब वो मर जा, मतलब आपने कर दिया, उसके बाद वो कोई रिस्पेक्ट नहीं होती बॉडी की, मर गई बॉडी, सब ऐसे अंदर घुसेड़ देते हैं और मोटी सी सुई से कच 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 कच, कभी कभी तो बांधते हैं, कभी कभी ऊपर से कपड़े को लपेट कर बांध देते हैं। जब हम दूसरे को करते थे तो हम लोगों को लगता था छी कितना गंदा है। लेकिन एक बार सरिता का पोस्टमार्टम हुआ था, बब्बू की वाइफ का, मेरी बहन जैसी बच्ची थी वो, ये वैभव और गौरी की मम्मी का, तब भी वही हुआ था। तो डिसेक्शन हो जाता है, डिसेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, उसमें समझ नहीं आती। जिंदा चीज को समझने के लिए आप उसको काटेंगे नहीं, अच्छा तुमने उस दिन मुझे क्या बोला था और मैंने तुमसे क्या बोला था, तुम्हें याद है मैंने उसने क्या कपड़े पहने थे, तुमने मुझे याद भी नहीं आया तुमको। कल एक चुटकुला आया था, उसमें एक औरत पूछती है अपने हस्बैंड से, अच्छा ये बताओ माधुरी दीक्षित का बर्थडे कब है? उसने बता दिया। बोलती है वैलेंटाइन डे है, उसने कब बता दिया। फिर उसने कुछ और पूछा है, किसी और का डे, उसने बता दिया। बोलती है और आज क्या है? उसको याद नहीं आया, उस दिन उसकी बर्थडे था उसकी वाइफ का। ये डिसेक्शन होता है। डिसेक्शन से तुम प्यार कहां सीखोगे, ज्ञान कहां? ज्ञान तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जानते हैं? इंटीग्रेशन मतलब वो पजल नहीं होता, जिग्सॉ पजल, सब एक एक पीस को जोड़ते हैं उसके बाद समझते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये नहीं कहा तो हो सकता है आपने इसको इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम्हारे मन में ये बात नहीं आई होगी। अगर इतनों से जोड़ देंगे तो आप ठीक हैं।
इंटीग्रेशन जोड़ देता है। इसलिए अपने आप को कंप्लीटनेस में समझना, डिसेक्शन से नहीं समझोगे। मैन हैज बिल्ट इन हिमसेल्फ इमेजेस एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अपने दिमाग में हमने फोटोज बना रखी हैं और उसी से हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। कौन कौन सी फोटोज? रिलीजियस, राम कृष्ण हनुमान दुर्गा। पॉलिटिकल, कि मैं कांग्रेस से हूं, मैं बीजेपी से हूं। एंड पर्सनल, कि मैं डॉक्टर हूं, मैं सुंदर हूं। अगर जरा सा बदसूरतपन आ गया, डिप्रेशन आ जाएगा, हम सुसाइड कर लेंगे, आ जाता है लोगों को। दीज मैनिफेस्ट एज सिंबल्स। और जब अंदर में जो हमारी फोटोज होती है ना, उस सिंबल्स के फॉर्म में निकल के आती है। कैसे सिंबल्स? आइडियाज एंड बिलीव्स। अरे आप जानते नहीं सर, ये बीजेपी के हैं और बहुत अच्छे हैं, मैं इनको जानता हूं ना, ये हमारा आइडिया है। या दुर्गा माँ की 16 बार करोगी, पक्का तुम्हारा फायदा होगा। कैसे पता? हमने इनको एक को देखा था, 10 को जिनको नहीं हुआ उसको नहीं देखा हमने। द बर्डन ऑफ दीज डोमिनेट्स, और इनका बोझ होता है दिमाग में, डोमिनेट्स मैन्स थिंकिंग एंड रिलेशनशिप एंड डेली लाइफ। इसकी वजह से दिमाग भारी हो जाता है और हम रिलेट भी नहीं कर पाते। हमारे घर में एक आदमी आया, मुशर्रफ दूर से बिठाओ, उसको वो बाहर वाला कप देना। हम खुद बायस हो जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो। इवन पर्सनल लेवल पे, मैं एक दिन देख रहा था सचिन के साथ, मैं नॉर्मल उसके बाद जब भी जाता हूं उसको देखता हूं तो मेरे दिमाग में ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा हाथ टाइट हो गया, बॉडी टाइट हो गई उसकी प्रेजेंस में। जब वो जाता है तो लगता है थैंक गॉड चला गया वो। और फिर मैं शाम को बस अड्डे पे गया था 9 बजे और अपनी वाइफ के साथ बाइक पे घूमे आया था। मुझे लगा कि यार ये तो दूसरा आदमी लग रहा है। दीज आर द कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, फॉर दे डिवाइड मैन फ्रॉम मैन इन एवरी रिलेशनशिप। और यही है हमारी प्रॉब्लम का कारण, क्योंकि ये डिवाइड कर देती है आदमी को आदमी से। एक बच्ची यहां पर आपके साथ, एक बच्ची आई थी कल, याद है मुझे? याद है लास्ट ईयर तक उस वो काउंसलिंग के लिए आती थी और एक बच्चा उसके पीछे पीछे मिलने के लिए आता था, उससे नीचे खड़ा रहता था। कल उसने बताया कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, 4-5 महीने पहले मर गया। वो क्यों सुसाइड किया उसने? प्यार की वजह से नहीं किया, डिविजन की वजह से किया, डिवाइड हो गया वो। मुझे भी शॉक लगा उसको सुन करके। ये डिवाइड कर देता है हमको हर रिलेशनशिप में। हिज परसेप्शन ऑफ लाइफ इज शेप्ड बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द माइंड। और फिर दुनिया को वो देखता है, परसेप्शन जो है वो विकृत हो जाती है, शेप हो जाती है हमारे अपने कॉन्सेप्ट से। हमारे दिमाग में जो आइडियाज हैं उसी से हम दुनिया को देखते हैं, चश्मे के थ्रू देखते हैं दुनिया को। दिस कॉन्टेंट इज कॉमन इन ऑल ह्यूमैनिटी, और ये चीज सब में है ऐसा। द इंडिविजुअलिटी इज द नेम, द फॉर्म, द सुपरफिशियल कल्चर ही एक्वायर्स फ्रॉम हिज एनवायरमेंट। हम तो आदमी हैं लेकिन हम बाहर से अपने आप के अंदर कुछ खास खास चीजें चिपका लेते हैं। द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल डज नॉट लाई इन सुपरफिशियल बट इन द टोटल फ्रीडम फ्रॉम द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। पता है क्या है, कृष्णमूर्ति, कृष्ण, नानक, कबीर, जीसस, इनको नाम से ही जानते हैं हम। ये कौन सी कास्ट के थे, इनका धंधा क्या था, बिजनेस कौन सा करते थे, ये दुकान का है कि चलाते थे, स्पेशलिस्ट थे कि नहीं, इनके कितने बच्चे थे, कृष्ण के कितने बच्चे थे पता है आपको? राम के तो कहानी फेमस है ना, लव कुश थे, वही कहानी से याद आ गया, नहीं तो नाम ही नहीं आता। आपकी इंडिविजुअलिटी कहां से आती है? हम सोचते हैं हम डॉक्टर बन गए तो हम बहुत यूनिक हो गए। नहीं, यूनिकनेस आती है आपके कंप्लीट टोटल फ्रीडम से, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके दिमाग में जो फोटोज बनी है, जब आप उससे फ्री होते हैं तब आप यूनिक बनते हैं, स्पेशल बनते हैं, ना कि अपने चिपकाए हुए इमेजेस से। अभी तक वो चल रही है बातचीत, कृष्णमूर्ति ने जो लिखा है, आपकी कोर क्या है आपकी टीचिंग का। फ्रीडम इज नॉट अ रिएक्शन, आजादी जो है, मां बाप हमको कुछ बोल रहे हैं, लोग हमको कुछ बोल रहे हैं, सोसाइटी हमको कुछ बोल रही है तो उसका रिएक्ट करेंगे, ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इज नॉट चॉइस, हमको ये नहीं चाहिए हमको ये चाहिए, फ्रीडम ये भी नहीं है। इट इज मैन्स प्रिटेंस दैट बिकॉज ही हैज चॉइस ही इज फ्री। ये तो हमारी नाटक है कि हमारे पास चॉइस है इसलिए हम फ्री हैं। बहुत ही अच्छा सीन आप जरूर देखिएगा फ्रॉम द मूवी मैट्रिक्स सेकेंड वॉल्यूम। उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में क्या होता है पता है,
एक हीरो होता है नियो, और एजेंट होता है मशीन। तो नियो जो है मशीन, पहले मशीन हीरो को गोली मारती है तो हीरो बेचारा मर जाता है, फिर वो जिंदा हो जाता है पता नहीं कैसे, और उसके बाद वो जंप करके मशीन के अंदर घुस जाता है, उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसको मार डालता है। फर्स्ट फिल्म खत्म हो जाती है। सेकेंड फिल्म में वही मशीन और ये नियो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। तो बोलता है मिस्टर एंडरसन, मतलब अपना हीरो नियो, मैंने आपको मरते हुए देखा था, मैंने आपको गोली मारी थी और मैंने चेक किया था आप मरे थे, फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया और आप जिंदा हो गए, फिर आपका कुछ हिस्सा मेरे ऊपर छप गया, इंग्लिश में है ना, बोलता सम पार्ट ऑफ यू गॉट कॉपीड ओवर मी और समथिंग हैपेंड आई डोंट नो व्हाट, कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जब मैं खड़ा हुआ तब आई न्यू द रूल्स, मुझे रूल्स पता थे लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं करने का मन कर रहा था, तो अपेरेंटली तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं आजाद हो गया आपकी वजह से। तो नियो बोलता है कांग्रेचुलेशंस, बोलता है लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हम जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, मैं आजाद नहीं हुआ, इनफैक्ट मैं बंद गया। ये बहुत खास डायलॉग है, बोलते हैं हम आजाद तब होते हैं जब हमारी लाइफ में पर्पस होता है। पर्पस समझते हैं, पर्पस किसकी लाइफ में है? पर्पस है कपिल शर्मा की लाइफ में। हाँ वो जाता है, उसको कुछ करता है, एंजॉय करता है। लता मंगेशकर की लाइफ में पर्पस है। मैं कल गाना सुन रहा था परसों नरसों, बहुत ही बढ़िया गाना है, आपको मैं सुनाता हूं, आपको लगेगा आपकी लाइफ में भी पर्पस आ जाएगा। पुराने गाने पसंद नहीं भी आते तब भी सुनिए आप। दूसरी आवाज पता है किसकी है? पंडित भीमसेन जोशी। चला लीजिए ऐसे। जब मैं उनको सुन रहा था तो मुझे लगा आशीष, मुझे लगा आशीष तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ का और तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा वो संगीत का घर कहाँ है जहां तुम गाना चाहते हो, और तुम्हारा गाना कौन सा है जो तुम गाना चाहते हो। सो कहता है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर एंडरसन मेरी लाइफ का पर्पस छिन गया। पहले उसका पर्पस था एक मशीन था और उसको मशीन बोलती थी कि जा जाकर आदमी को पकड़ो और मारो। बोलता है अब तुमने मेरे को फ्री कर दिया। बोलता है इट इज वी आर नॉट फ्री इफ वी डोंट हैव अ पर्पस, इनफैक्ट दैट इज व्हाई वी आर फ्रस्ट्रेटेड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग, यू शुड सी इट। बोलता है एंड आपने हमसे वो लिया था वही हम आपसे लेने वाले हैं, आपका पर्पस, और उसको मारने की कोशिश करता है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं हम जब ये कहते हैं ना कि हम चूज कर सकते हैं कुछ भी इसलिए हम फ्री हैं, ये हमारा झूठ है। फ्रीडम इज प्योर ऑब्जर्वेशन विदाउट डायरेक्शन। आजादी क्या है? एकदम देख पाना बिना डायरेक्शन का। अच्छा कल रात को मैंने सचिन को नहीं दिया, मेरे मन में एक तरह की हंसी आई, आज सुबह देखा तो हंसी भी दिख गई।
इसमें ये नहीं कह रहा हूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज जाकर के उसको चार्जर देना चाहिए, मुझे अच्छा बनना चाहिए, सिंपली ऑब्जर्विंग विदाउट डायरेक्शन, विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। देखना है नहीं तो सर डांटेंगे, देखना है नहीं तो भगवान हमको पाप करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी पनिशमेंट के, डर के हम ऑब्जर्व कर सकें। एंड रिवॉर्ड, अगर देखेंगे तो भगवान हमको बड़ा फल देगा। बिना रिवॉर्ड के और बिना डर के जब आप ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीडम। फ्रीडम इज विदाउट मोटिव, फ्रीडम में कोई मोटिव नहीं होता, अगर ये करेंगे तो हमको वो मिलेगा। फ्रीडम इज नॉट द एंड ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन बट लाइज इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। आप सोचते होंगे कि ध्यान व्यान करेंगे तो लास्ट में फ्रीडम मिलेगा, नहीं, शुरुआत में, अभी जब आप 2 सेकंड किसी चीज को सुन सकते हैं, अपने थॉट को सुन सकते हैं, तो वही शुरुआत हो जाती है फ्रीडम की, लास्ट में नहीं है। इन ऑब्जर्वेशन जब आप देखना शुरू करते हैं, वन बिगिन्स टू डिस्कवर द लैक ऑफ फ्रीडम। जब आप देखना शुरू करते हैं तब आपको लगता है अरे ये देखिए थॉट मुझे परेशान कर रहा है, मैं फ्री नहीं हूं। जब आपको यह मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि आप फ्री नहीं है, वहीं से आपकी फ्रीडम चालू हो जाती है। कैसे? आपके घर की सफाई कैसे चालू हो जाती है? जब आपको दिखना शुरू हो जाता है कि कचरा कहां है। जिनके घर गंदे होते हैं उनको दिखता ही नहीं है कचरा कहां है, तो जब आपको कचरा दिखना शुरू हो जाए वहीं पर आपका रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। सो फ्रीडम इज फाउंड इन द चॉइसलेस अवेयरनेस ऑफ आवर डेली एग्जिस्टेंस। रोजमर्रा की जिंदगी में बिना कुछ चूज करे ऑब्जर्व करने से ही फ्रीडम आती है, वही फ्रीडम होती है। अभी तक खत्म नहीं हुआ है जो उन्होंने लिखा था, बहुत चालाक बन रही थी ना मेरी ल्यूटन्स। लो कोर एक सेंटेंस में और सुन लो, थॉट इज टाइम। हमारे जो विचार होते हैं ना वो नकली होते हैं, आमतौर पे सब पोस्टपोन करते रहते हैं। थॉट क्या है? हमारा टाइम है। थॉट इज बॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज विच इज इनसेपरेबल फ्रॉम टाइम। हमारा पास्ट में कोई एक्सपीरियंस हुआ या पास्ट में कोई जानकारी हुई, हमारा फ्रेंड, हमारी बॉयफ्रेंड, हमारा पैसा, हमारा रुपया, हमारी इच्छाएं, वो सब चीजों से हमारे थॉट बनकर निकलते हैं जो टाइम से हम अलग नहीं कर सकते, कभी पास्ट में हुआ। टाइम इज साइकोलॉजिकल एनिमी ऑफ मैन। आज से 2 साल पहले क्या हुआ या आज से 2 घंटे पहले क्या हुआ, अगर वो चीज मुझे अभी परेशान कर रही है तो थॉट या तो टाइम क्या है, मेरा दुश्मन है, क्योंकि अभी मुझे नहीं देखने दे रही है। टाइम इज साइकोलॉजिकल एनिमी ऑफ मैन। आवर एक्शन इज बेस्ड ऑन नॉलेज, क्योंकि हम जो करते हैं अपनी जानकारी से करते हैं, एंड देयर फोर टाइम, और इसलिए हमारे साथ ज्यादातर एक्शन क्या होते हैं, टाइम में से निकल के आते हैं। सो मैन इज ऑलवेज अ स्लेव टू द पास्ट। आदमी हमेशा पास्ट का स्लेव होता है। अरे तुम डॉक्टर हो, MBBS किए हो, पढ़ाओगे बच्चों का? जो आदमी मुझसे बोल रहा है ये चीज वो क्या देख रहा है, मेरे 5 साल पुरानी इतिहास पर। मैं अभी जिंदा हूं, मैं जब पढ़ाता हूं मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी जिंदगी आज है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, अभी छोड़ नहीं पाता अपने गंदे पास्ट को। आज ही मुझे बड़ा नया आइडिया आया, ओयल में जमीन देख रहे हैं हम लोग, आज हम लोग गए थे सुबह सुबह जमीन नापने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा एक बड़ी खास चीज, तो जो मुझे बता रहा था वो शायद बड़ी जानकारी की बात बता रहा था। मैंने पूछा यार ओयल इतना छोटा सा, बहुत छोटा शहर है, और ओयल में ही रेलवे स्टेशन क्यों बनाया, बाकी जगहों पर क्यों नहीं बनाया? बोलते राजा साहब का घर था यहां पे, तो राजा साहब का जहां घर था उसके जस्ट सामने उन्होंने जमीन, ढेर सारी जमीन दे दी, तो रेलवे स्टेशन बन गया। और बोलते यहीं पर जहां पर हम लोग लैंड देख रहे हैं वहीं पर राजा साहब का मकान था, राजा साहब ने वहां पर पोस्ट ऑफिस बनवा रखा था। तो जब मैंने देखा वहां पर टीले पे भी उनका मकान था, और फिर वो लेकर गए मुझे YD कॉलेज का एक फार्म है बड़ा सा, और कॉलेज भी है वहां पे। तो मैंने कहा ये सब? बोलते राजा साहब ने दिया सब। और एक बड़ी खास चीज बताई, राजा साहब जब थे, मतलब जो YD कॉलेज जिन्होंने खोला था, तो वो शिक्षा के लिए बहुत चाहते थे कि ढेर सारी जमीनें, यहां पर भी YD कॉलेज खोला है, ढेर सारी जमीनें दी हैं। तो मैंने कहा ये ओयल में क्यों खुला? बोलते हैं राजा साहब की वजह से। एक्चुअली हर गांव की जो शुगर फैक्ट्री थी वो भी यहीं पर खुलने वाली थी, लेकिन फिर लोगों ने एडवाइस किया होगा कि कहां राजा साहब आपका मकान यहां पर है, बदबू होगी, बदबू फैलेगी और गंदगी होगी, तो इसलिए डेवलप नहीं हो पाया जगह। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा बहुत साफ सुथरी जगह है ओयल, हर गांव में बड़ी आप जाइए तो बदबू आती है। सच था, वो डेवलप्ड हो गए, नौकरी आ गई, बदबू आ गई, पॉपुलेशन आ गई, उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। इट्स अ वेरी पीसफुल। एंड तब मेरे मन में थॉट आया, चलते राजा साहब से मिलके आते हैं, और जगह दीजिए हमको, हमको स्कूल खोलना है,
ये थॉट कहां से आया, जब मैं पास्ट से नहीं देख रहा हूं। अब तक पास्ट क्या था, कोई बंदा अगर बेचेगा तो हम लेंगे। तो जब रेलवेज वाले जाके उनसे जमीन मांग सकते हैं, कॉलेज वाले उनसे जमीन मांग सकते हैं, तो हम जैसे गरीब लोग क्यों नहीं मांग सकते उनसे, जाके मांगेंगे, चलेंगे हम लोगों से मिलने, देखते हैं कैसे नहीं देंगे तो नहीं देंगे, मांगने में क्या जाता है, और मांगेंगे जमीन से, थोड़ा सा और है। सो मैन इज ऑलवेज स्लेव टू द पास्ट। अगर मैं पास्ट के बारे में सोचूं, देंगे या नहीं देंगे, मुझे देंगे, प्रेजेंट में उनको देखा मैंने, कहा खूब ढेर सारी जमीन उनके पास, चलते हैं मांगने, डोनेशन तो मांगते हैं उनसे। व्हेन मैन बिकम्स अवेयर ऑफ द मूवमेंट ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस, आपके दिमाग में जो थॉट्स मूव कर रहे हैं जब उसको आप देखना शुरू कर देते हैं, ही विल सी द डिविजन बिटवीन थिंकर एंड द थॉट, तब जो सोच रहा है वो और जो थॉट आया है इनके बीच का जो डिविजन है वो देख पाएंगे आप। द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस, ये थोड़ा बारीक है, इस पर मैं लंबी बातचीत करना चाहता हूं तो मैं करूंगा बाद में, तब आप देख पाएंगे। ही विल डिस्कवर, देख पाएगा द डिविजन, कि ये डिविजन जो है वो इल्यूजन है। अगर मेरे मन में एक खराब थॉट आया तो मैं खराब आदमी हूं, तो इससे या तो डिप्रेशन आएगा कि मैं कितना झूठा हूं, मैं कितना चोर हूं, या मेरे मन में चेंज आएगा, वो तुरंत बदल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं पता है, अरे पता है डॉक्टर साहब क्या, सर पता है क्या, कल उसने मुझे डांट दिया था इसलिए मैंने झूठ बोला था, वैसे तो मैं अच्छा आदमी हूं, थॉट थिंकर, और उस थॉट को अलग कर दिया। जब मेरे मन में चोरी करने का विचार आया या व्यभिचार करने का विचार आया तो मैं ही हूं ना, लेकिन हम डिवाइड कर देते हैं। वो डिवीजन जब खत्म हो जाएगा तो चेंज ऑटोमेटिक होता है, इसको हम और बाद में गहरे से बात करेंगे। देन ओनली देयर इज प्योर ऑब्जर्वेशन, और जब ये डिवीजन खत्म होता है तभी आप साफ साफ देख पाते हो, विच इज इनसाइट विदाउट एनी शैडो ऑफ द पास्ट, तब आपको इनसाइट आती है जो कि पास्ट की शैडो नहीं होती, किसी किताब से नहीं पढ़ी होती, किसी अज्ञानी आदमी ने कुछ बोला है वो नहीं होता, आप देख पाते हो और वहां से निकल के आता है, ट्रूथ है वो। दिस टाइमलेस इनसाइट, ये वो इनसाइट है जो टाइमलेस है, जो समय से नहीं निकल के आता है, ब्रिंग्स अबाउट डीप रेडिकल चेंज इन द माइंड, माइंड के अंदर में वो चेंज लाता है जो बहुत गहरा है और पूरी तरह से रेडिकल है, नया है। एक सेंटेंस और, टोटल निगेशन इज द एसेंस ऑफ द पॉजिटिव, दिमाग में जो भी चल रहा है उसको आप ये न माने, थॉट निगेशन मतलब ये मैं हूं, ये मैं हूं, हर चीज को जब आप निगेट करते जाएंगे तब वहां से पॉजिटिव निकल के आता है। ये वो पॉजिटिव है जो आप बनाते नहीं है, बोलते ना पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए, ये वो पॉजिटिव नहीं है। या कुछ पॉजिटिव हमारे नकली होते हैं, जैसे हमने रुपए पैसे कमाए तो हम मानते हैं कि हम अमीर हैं, या हम सेहत बनाते हैं तो हमको लगता है कि हम सेहतमंद हैं, लेकिन वो तो मर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं कल, ये किसी और पॉजिटिव की बात करते हैं। जब सारा नेगेटिव खत्म हो जाता है माइंड में से तब एक पॉजिटिव आता है, उस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। व्हेन देयर इज निगेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट लव, हर वो चीज जो लव नहीं है, जब आप उसको हटा देते हैं, डिजायर लव नहीं है, प्लेजर लव नहीं है, देन जो निकल के आता है वो क्या है, वो लव है विथ इट्स कंपैशन एंड इंटेलिजेंस, और उसी में से एक बुद्धि भी निकल के आती है और एक इंटेलिजेंस निकल के आती है। लास्ट में थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस बताना, सेंटेंस क्या, थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। एक किताब छापी रोजालिंड ने, रोजालिंड जानते हैं, कृष्णमूर्ति के साथ थी वो, बहुत खूब गाली गलौज करी है कृष्णमूर्ति को, बहुत खराब खराब लिखा है उनको, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कृष्णमूर्ति की मैं गर्लफ्रेंड थी और मुझसे शादी के लिए वादा करके उन्होंने शादी नहीं किया। मैंने पढ़ा नहीं अभी तक किताब, बड़ी महंगी है, बाद में आके पढ़ेंगे। तो कृष्णमूर्ति से आए दो तीन लोगों ने पूछा, उनके दोस्त लोगों ने, कि ऐसा सा क्या सच बात है, कृष्णमूर्ति बोलते हैं हाँ, बात खत्म, बोलते हैं उन्होंने हाँ बोला, हम चुप, बात खत्म हुई। अब उसको ढो नहीं रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बात को घुमा नहीं रहे हैं, जो सच था वो सच बोल दिया उन्होंने, खत्म।